As an actor, as an artist, Irfan Khan ki jo contribution hai to cinema, and not just Bollywood or Indian cinema, but world cinema, wo to bahut badi hai. वो किस मेयार के किस पाए के एक्टर थे उसके बारे में भी मेरा ख्याल है दो राय नहीं हो सकती. मुझे लगता है लेकिन उनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने एक पूरी जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को ये यकीन दिलाया कि अगर आप एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम के फ्रेम में उसके चौखट्टे में फिट नहीं होते तो आप में इतना पोटेंशियल हो सकता है, आप में इतनी कन्विक्शन बस होनी चाहिए कि आप उसका रुख बदल सकते हैं. It's the thing about great artists and it's the thing about great art. You take it personally and you feel it personally. And Irfan Saab jaise log, they just become a part of your life. They become a part of your story in telling the stories that you connect with deeply. Irfan Khan to un chand pioneers mein se the jinhone Bollywood ke andar acting ko revolutionize kiya aur realism ko introduce karane wale ibtidai logon mein se the. और एक से बढ़कर एक इंस्पायरिंग परफॉर्मेंसेस, फ्लॉलेस एफर्टलेस परफॉर्मेंसेस इरफान खान ने हमें दी. मैंने हमेशा उनमें से इंस्पिरेशन ली कि यार एक इंसान जिसने इतने छोटे से रोल से आगाज़ किया अपने करियर का और हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में की, जो उसने हमेशा ये कोशिश की कि उनके पाँव जो है वो ज़मीन के साथ लगे रहें. एक फिल्म थी उनकी विशाल भारद्वाज की मकबूल के नाम से, जिसमें वो थे तब्बू के साथ, एंड आई थिंक उसमें जो उनकी एक्टिंग थी वाज जस्ट अमेजिंग. मैंने कुछ दिनों पहले ही वो फिल्म ख़त्म की थी और इट फील्स रियली स्ट्रेंज टू सी के अब वो नहीं होंगे और अब हम उनको नहीं देख सकेंगे फिर से स्क्रीन पर. वो एक कन्वेंशनल एक्टर नहीं थे, उन्होंने हमेशा वो रोल्स किए जो कि कन्वेंशनल नहीं थे, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि दुनिया के कितने इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो कि वो लुक अप टू हिम और वो चाहेंगे कि किसी एक दिन वो ऐसा मुकाम पाएं जो कि इरफान ने सिनेमा के वर्ल्ड में पाया. हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे, राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे. Such a sad news for the whole world.